अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पहले तो ये समझिए कि कौम क्या है। हम इस वक्त कौम के माने में दो लफ्जों में गुम हो जाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कौम समझते हैं नेशन को, राष्ट्र को। और कौम एक मखसूस खित्ते में इंसानी समाज की सबसे बुनियादी इकाई है। फर्द से खानदान, खानदान के बाद बस्ती, बस्ती के बाद प्रखंड, जिला, सूबा और फिर मुल्क के मुख्तलिफ सूबों का एक मरकज जिसको हम कहते हैं कौम। तो इस मुल्क एक ऐसे खित्ते में बसने वाली वो कौम जिनके तहफुज, तरक्की और तहफुज का मसला एक सा हो और ये खास नज्म के साथ जुड़े हुए हों वो ये कौम कहलाते हैं। और उसमें मुख्तलिफ मजाहिब, मुख्तलिफ सकाफत और तहजीब की पूरी गुंजाइश रहती है। अगर इस एतबार से देखें तो हम पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, गोड़े काले सब एक कौम है, एक राष्ट्र है। यही वजह है कि सबके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज कहलाया जाता है, कौमी झंडा कहा जाता है। लेकिन कभी कभी हमारी गुफ्तगू में बात होती है तो कौम के माने हम खास मिल्लत और बिरादरी, फिरका परस्ती को समझने लगते हैं। तो कौमी एकता क्या है? कौमी एकता यह है कि इस मुल्क में रहने बसने वाले सारे लोग मुत्तहिद होकर रहे। जिस तरह से कश्ती में बैठने वाले लोग अगर पे हो मुकदमे की तारीख में जा रहे हो लेकिन अगर कश्ती डामाडोल हो उसमें पानी निकले तो दोनों मिलकर कश्ती की आफियत की दुआएं मांगता है अल्लाह से और कश्ती की हिफाजत के लिए दोनों कोशिश करता है। तो इस मुल्क में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सारे हैं, लेकिन इस मुल्क में अगर चाइना का हमला हो तो सबकी बर्बादी होगी, मुल्क की तरक्की इस पर बर्बादी पड़ेगा। अपने देश की हिफाजत के लिए अपने देश की तरक्की के लिए इसको कहा जाता है कौमी एकजहती। कौमी एकजहती बर्बाद क्यों हो रही है? कौमी एकजहती बर्बाद भाई और भाई में लड़ाई कब होती है? बाप बीघे खेत को, अलग अलग क्यारियों को बेटों को बांट दिया, हर बेटा बाप के बंटवारे के मुताबिक अपने करता है तो भाइयों में कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन जब ताकतवर भाई तो लड़ाई शुरू, यानी इंसाफ को तोड़ने से, कौमी एकजहती। तो ये कौमी एकजहती की बर्बादी की वजह क्या है? इस मुल्क में जो हैसियत है वो है इस मुल्क के दस्तूर और आईन की, हुआ है वो संविधान। सेकुलर का मतलब असल में यह होता है जो मजहब को नहीं माने, लेकिन हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि अपने धर्म का पालन करना। किसी पर एतराज है, किसी को हमारे मुरासिम इबादत से दिक्कत है, किसी को हमारे मस्जिद और मेहराब से दिक्कत है और चाहता यह है सबको एक ही कौमी धारे में, यानी यूनिफॉर्मिलिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि सबके शादी ब्याह के तरीके एक होंगे, यह कोशिश नामाकूल की जा रही है जिससे मुल्क की एकजहती बाकी नहीं रह सकती बल्कि मुल्क की एकजहती को तोड़ने। आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान की सरहद पर कोई दुश्मन आए, चाइना की सरहद पर कोई दुश्मन आए तो गर्दन कटा करके आप की उससे ज्यादा गर्दन कटाकर इसकी हिफाजत की जरूरत है।